सो गाइज, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर हम अपने चैनल को गूगल एडवर्ड्स में प्रमोट करते हैं तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्या अगर गूगल एडवर्ड्स में हम अपने चैनल को प्रमोट करते तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चैनल मोनेटाइज ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब कोई प्रॉब्लम ना लास्ट में खड़ा कर दे कि हमारा चैनल मोनेटाइज ना हो। इतनी मेहनत से आप अपने चैनल को बनाए हो, वीडियो डेली डाल रहे हो, उसके बाद गूगल एडवर्ड्स पे पैसा भी खर्च कर रहे हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ, ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। और साथ में आपको बताऊंगा कि अगर गूगल एडवर्ड्स पे आप प्रमोट करते हो अपने चैनल या वीडियो को तो आपको फायदा क्या मिलने वाला है और आपका नुकसान क्या होने वाला है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिजिटल मार्केटिंग टेक टिप्स ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर हम अपने चैनल को प्रमोट करते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो मेरा आंसर है बिल्कुल, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आपके चैनल को मोनेटाइज होने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन गूगल एडवर्ड्स पे अगर आप अपने चैनल को प्रमोट करते हो बिफोर मोनेटाइजेशन तो आपको नुकसान भी होगा, आपको फायदा भी होगा। तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी चीजें आपको बता दे रहा हूँ आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की, कि फायदा क्या है। गाइस, जैसा कि आपको बताया कि जब भी हम चैनल स्टार्ट करते हैं और कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं और अपनी चैनल पे वीडियो डालना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में किसी के भी चैनल पे, किसी की भी वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं और इस प्रॉब्लम से सबको जूझना पड़ता है। बट अगर हम गूगल एडवर्ड्स के थ्रू अपने चैनल को प्रमोट करते हैं, वीडियो एड्स चलाते हैं, अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो इंस्टेंटली जो हमारा चैनल है बूस्ट हो जाता है, हमारी वीडियो पे व्यूज भी आ जाता है और हमारे चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं कुछ पैसा खर्च करके गूगल एडवर्ड्स पे। तो ये तो हो गया हमारा फायदा कि अगर स्टार्टिंग में आपको अपने चैनल को बूस्ट करना है तो बिल्कुल आप बूस्ट कर सकते हो, व्यूज गेन कर सकते हो, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, कहीं पे कोई इशू नहीं है। अब इशू कहाँ पे है, नुकसान कहाँ पे है, नुकसान की बात करते हैं। गाइस, नुकसान यहाँ पे ये है कि अगर गूगल एडवर्ड्स का यूज करके आप अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हो तो जो वॉच टाइम आएगा आपकी वीडियो पे वो YouTube मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो प्रमोट किया गूगल एडवर्ड्स पे, अब आपकी वीडियो पे 10,000 व्यूज आया, अब 10,000 व्यूज से समझ लो आपको अगर 2,000 या 1,000 घंटा वॉच टाइम आपको मिल गया, 1,000 आवर वॉच टाइम मिल गया, तो ये जो 1,000 आवर वॉच टाइम है YouTube जब मोनेटाइजेशन का टाइम आएगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। गूगल एडवर्ड्स एक पेड एडवर्टाइजमेंट है और पेड एडवर्टाइजमेंट से जितने भी वॉच टाइम होते हैं YouTube उसको कंसीडर ही नहीं करता है। तो ये नुकसान है, चैनल तो आपका बूस्ट हो जाएगा, वीडियो पे देखने के लिए आपके व्यूज आ जाएगा लेकिन वो वॉच टाइम काउंट नहीं करेगा। बट इससे कोई मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोनेटाइज तो आपका चैनल हो जाएगा आज नहीं तो कल, जैसे वॉच टाइम ऑर्गेनिक वॉच टाइम अगर आप लाते हो सोशल मीडिया के थ्रू लाते हो तो वो काउंट होगा। बट जो गूगल एडवर्ड से पेड एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो तो वही काउंट नहीं होता है। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो एडवर्ड्स अच्छा है, बूस्ट कर लो अपने चैनल को, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे आपको, टारगेटेड सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा है। वॉच टाइम के लिए अगर आपकी वीडियो ऐड के बाद अगर आपके चैनल को कोई एक्सप्लोर करता है, कोई और वीडियो देखता है तो वॉच टाइम तो काउंट होगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट नुकसान यही वॉच टाइम का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल मोनेटाइजेशन में कोई इशू नहीं आता है, चैनल मोनेटाइज होता है। बस ध्यान ये देना है कि गूगल एडवर्ड्स का ही यूज़ करना, किसी बोट या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज मत करना अपने चैनल को बूस्ट करने में। अगर आप ऐसा करते हैं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी यूट्यूब कंसीडर नहीं करेगा थर्ड पार्टी प्रमोशंस, थर्ड पार्टी या बोर्ड एडवर्टाइजमेंट। तो इस चीज का ध्यान देना तो आपके चैनल को मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।